चैनल प्रिय पब्लिक ब्लॉग बट्टा। तो अभी मैं सिल्क सिटी भागलपुर में हूँ और ये जो मैम है मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे डायरेक्टर सब यही है। जितना भी इनको उपाधि दे वो कम है। खैर, तो अभी मैं भागलपुर के सिल्क सिटी में हूँ। यहाँ मैं पढ़ी थी, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। कितना बार बताओ, अभी मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक पर बात करने की टाइम नहीं है, बट मैं बता दूँ कि जो है टारगेट फिजिकल अकेडमी में मैं आ चुकी हूँ। सैंडीज कंपाउंड के नाम से भागलपुर प्रसिद्ध है, सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि टारगेट फिजिकल एकेडमी में क्या क्या व्यवस्था है और बिहार पुलिस के साथ साथ फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी होती है। मतलब तैयारी स्पेशल टीचर के द्वारा नहीं कराई जाती है। यहाँ जो है क्या कहते हैं लाइब्रेरी में बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई करते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं। और बीपीएससी हो, लाइब्रेरी का मतलब ही होता है बीपीएससी। जनरल कंपटीशन में जितने होते हैं टीचर, पुलिस, दरोगा, जनरल बीपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ, सारे स्टूडेंट अंडर बैठे होते हैं और अपने अपने आप पे फोकस करते हैं। वो ना तो किसी से मतलब रखते हैं बस। तो आइए, तो कंजन जी आइए, चलिए आइए, अंदर मिलाते हैं, देख लीजिए। मैं खुद ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी अभी जो है मैं दिखाऊँगी आपको, अंदर मिलवाती हूँ आपके जो फिजिकल एकेडमी है, टारगेट फिजिकल एकेडमी के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे। आप भी यही पढ़ाई करती हैं लाइब्रेरी में? किसका तैयारी करते हैं, कौन से बिहार पुलिस का? आप मेरे पास आती हैं? हाँ, तो आप बात नहीं की अभी? मंदिर भैया बताया कि आप आए। अच्छा, तो ये हमें जानते थे बिहार पुलिस का, तो वेट पे भी ध्यान देना हो क्योंकि वेट। हाँ, मेरा वेट कम है भैया, फिर हमें सब होता है वेट पे ध्यान देने के लिए। हाँ, लेकिन टाइम है, वेट तो गेन हो ही जाएगी। तो देखो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, इधर आ बन जल्दी। अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ जो है ऑफिस लाइब्रेरी का है, 6 बजे से 10 बजे तक है, 300 फी है, देख लीजिए। ये सारे डायरेक्टर साहब बताएंगे मुझे बताने की क्या आवश्यकता है, यहाँ की क्या फैसिलिटी है, क्या फैकल्टी है, वो सारे ये है। ये है मंदीप जी, और आप भागलपुर से हैं तो जानते ही होंगे, ये पहचान के मोहताज नहीं है। यूट्यूब पे भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, और पर्सनल इनका अपना लाइब्रेरी है और बिजनेस से कहा जैसे इच्छा कर। हाँ, तो बताइए क्या क्या फैसिलिटी है, फैसिलिटी है मेरे पास एकेडमी के साथ साथ हॉस्टल का भी सुविधा है उसके पास, एकेडमी के साथ हॉस्टल का, लाइब्रेरी का दोनों। एक सेकंड, पहले आप ये बताइए कि बिहार पुलिस गर्ल्स के लिए हाइट कितना चाहिए? 1.55 चाहिए उसके। मतलब सारे कैटेगरी के गर्ल्स को, गर्ल्स के लिए चाहिए या क्या कहते हैं? सारे के लिए 1.55। चाहे एससी एसटी हो, जनरल ओबीसी हो, चलिए तो ठीक है, लेकिन लड़का में है कैटेगरी वाइज। जनरल का कितना है? जनरल का तो 1.65। कंजन जी थोड़ा पकड़ो तो मेरा हाथ दर्द करने लगा। कोई बात नहीं गाइस, तो अब बताइए जनरल बॉयज का कितना है? 1.65। 1.65। और ओबीसी बॉयज का? ओबीसी का सर का 1.65 नॉर्मल। और एससी एसटी का भी लगभग 1.60 का। 1.60, हाँ 1.60 भी एग्जैक्ट 1.60 का। ओबीसी, और आप लोग देखो नोटिफिकेशन देखना आपका ड्यूटी है सरकारी वेबसाइट पे। टीचर को क्या होता है ना, उनको पढ़ाने से मतलब होता है। अगर आप फिजिकल का तैयारी कर, ये सर करवा रहे हैं फिजिकल का तैयारी, टारगेट फिजिकल एकेडमी तो इनका है, तो ये रनिंग कराएंगे आपको। रनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना हाइट है, कितना वेट होना चाहिए, वो आपको सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड करके देखना। हाँ, वो आप नोटिफिकेशन दीजिए, उस अनुसार हम आपका पूरा करवाएंगे सारा। हाँ, कि मेरा ये प्रोसेस है। वैसे सारा जितना डिफेंस लाइन का सबका अलग अलग फिजिकल का जो प्रोसेस होता है ना, अलग अलग होता है, तो आप नोटिफिकेशन अपना दीजिए आपका क्या है, उस अनुसार हम तैयारी करवाएंगे। हाँ, एसएससीजीडी का अलग होती है, सीआरपीएफ का अलग होता है। तो और ये लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है, लाइब्रेरी का फी कितना है? लाइब्रेरी का नॉर्मली फी है, कोई ज़्यादा नहीं है। सारे तरह का स्टूडेंट मेरे पास कराता है। सारे तरह मतलब क्या? जैसे कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है कि जो फी देने में असमर्थ है, उसके लिए भी हम कर देते हैं, उसके लिए भी हम देते हैं सीट। आप पढ़ सकते हैं, आप अपना ताकि स्टूडेंट को पढ़ाई में फी कभी रुकावट नहीं पड़े। ये कारण आपको पता है, मतलब भारत में बिहार ऐसा स्टेट है, पहली ट्रांसजेंडर महिला मधु कुमारी एसआई बनी है।
फिजिकल एकेडमी से देखिए फिजिकल क्वालिफाई तो 14 को हुआ, नहीं सॉरी 12 को, 12 को हुआ था जिसमें हाँ लड़की लड़का मिला था, जिसमें तीन सिलेक्ट हुआ फाइनल रूप से। हाँ फाइनल रूप से तीन सिलेक्ट हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। मतलब लड़की लड़का कितने थे? लड़की दो लड़का है, लड़की फर्स्ट। आज के डेट में लड़की आगे निकल रही है, और बहुत लड़का लोग का शिकायत रहता है ना कि लड़की ना पर, मतलब ऐसे बाजी मार जाती है आरक्षण की वजह से। नहीं बेटा, वो पढ़ती है तुम्हारी तरह ना, रोड पे अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो ना तो भाई साहब चले जाते हो घूमने के लिए सैंडविच कंपाउंड, लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती है। आप लड़का है हम सही बोले ना, जो भी बोले लड़की को, जब लड़का को जब भी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो चले जाते हैं कहीं और, लेकिन हम लड़की ना रो के रूम में बंद हो जाते हैं। और क्या आपके एकेडमी का खासियत है वो सब भी बता दीजिए। देखिए हम फिजिकल के लिए 100% गारंटी लेते हैं, अगर जो स्टूडेंट मेरे अनुसार चले बस। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका कहना यही है कि जो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट चलेंगे, जो फिजिकल फिजिकल लाइन में जाना चाहते हैं। हाँ। तो उसका फिजिकल 100% फिजिकल की वजह से वो छटेंगे नहीं। अभी आपकी अकेडमी का कितना दिन हो गया है? मेरे अकेडमी के लगभग 7 मंथ ही हो रहा है। 7 मंथ में आपके लड़के से कितने बच्चे आपने सिलेक्ट हो चुके हैं? सिलेक्ट तो लगभग 30-35। 7 महीने में 35 रिजल्ट दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और ऐसा ही रहा तो आप इनका चैनल भी है, इनका यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे। पहले से भी अकेडमी चलाते थे लेकिन खुद के नाम से नहीं चलाते थे, बस ऐसे ही चलते। हाँ बस ऐसे ही चलते, अब खुद के दम पर चला रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? खुद के दम पे अच्छा है। हाँ अच्छा लग रहा है, और बच्चा भी आ रहा है, सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे, जितने भी सपोर्ट किया अभी तक सभी के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट जो है मेरे पीछे आया, अकेले जब खड़ा हुआ बहुत हाँ, और यही 6 मंथ में लगभग ग्रुप में 350 स्टूडेंट के करीब है। हाँ लड़का लड़की। अच्छा तो मैं स्टूडेंट से भी मिला दूंगी कल सुबह। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने स्टूडेंट फिजिकल कर रहे हैं स्पेशली बिहार पुलिस का? स्पेशली देखिए 100+। 100+। अच्छा 7 महीने में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में बहुत ऐसे जो है एक इंडोर फिजिकल उनसे भी आगे जाइएगा, मेरा यही काम है। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा। यही सोचे हैं कि किसी कारण बस फौजी नहीं बन पाए, लेकिन मेरा सपना है हजारों फौजियों को तैयार करने करके आगे बढ़ने का। मतलब गुरु का ये होता है ना कि गुरु 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 हो जाता है लेकिन चेला कहाँ से कहाँ पहुँचा। हाँ बस यही मकसद से हम चले, हम किसी कारण बस नहीं हुए लेकिन हम हजारों फौजी बना कर यहाँ से बहुत ज्यादा बना दीजिए, 4-5 फौजी बन गए होंगे। अग्निवीर में मेरा 8 सिलेक्ट हुआ था पिछला वक्त। अग्निवीर को लेके आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अग्निवीर हटना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके जा रहा है 4 साल के लिए, वो सही है, उसके लिए तो जरूरी है बहुत जल्दी हट जाए तो अच्छा, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो बातचीत चल रही है, ये जो कैप्टन ये शहीद कैप्टन अंशु मंजू है, कैप्टन ये जो अश्विनी थी उनकी माँ बोली कि जितना फौजियों को पहले फैसिलिटी दिया जाता था उतना मेरा सरकार से निवेदन है कि वो फैसिलिटी दिया जाए और अग्निवीर को हटा दिया जाए। तो ठीक है, हम खत्म करते हैं ये बातचीत, फील्ड में मिलते हैं। ठीक है, फील्ड में मिलते हैं।